हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में इस क्लास में हम नेक्स्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में हम जो है कन्जरवेटिज़म को डिस्कस कर लेंगे कन्जरवेटिज़म uh, को कंप्लीट टॉपिक को जो है एमसीक्यूज की फॉर्म में कवर करने का प्रयास करेंगे ये सेकंड लेक्चर है पोलिटिकल आइडियोलॉजीज के ऊपर इससे पहले मैंने ऑलरेडी जो है लिबरलिज्म uh, आइडियोलॉजी को कवर किया है प्रीवियस वीडियो में जिन्होंने वो वीडियो नहीं वाच किया चैनल की प्ले में वीडियो पड़ी हुई है वहाँ पर जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं तो हम जो है इन पॉलिटिकल आइडियालॉजीज़ को टॉपिक वाइज एम की फॉर्म में कवर करेंगे तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एम के साथ टूडेज फर्स्ट एम सी चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंजरवेटिज़म कंजरवेटिज़म के बारे में क्या सही है ऑप्शन ए इट बिलीव्स इन द ह्यूमन इम परफेक्शन बी इट इज़ अ पोलिटिकल आइडियालॉजी विच हैज़ अ फीयर ऑफ आर रिफ्यूजल टू चेंज सी इट डिफेंड ट्रेडिशनल Values, practice and institution, या डी ऑल ऑफ द अब तो इनमें से क्या सही है कंजर्वेटिज्म के बारे में बिल्कुल ये बिलीव करती है किस में ह्यूमन इम्परफेक्शन में साथ ही साथ ये रिफ्यूजल टू चेंज को अडॉप्ट करती है मतलब ये स्टेटस क्यू को अडॉप्ट करती है इट डिफेंड ट्रेडिशन वैल्यूज प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशन जो ट्रेडिशनल हमारे वैल्यूज़ हैं जो प्रैक्टिसेस हैं जो कस्टम्स एंड कन्वेंशन हैं उनको जो है डिफेंड करने का प्रयास करती है कन्जर्वेटिज़म आइडियोलॉजी तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द वो तो राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट right आंसर है क्योंकि ये सभी फ़ीचर जो हैं कन्जरवेटिज़म आइडियोलॉजी के हैं तो कन्जर्वेटिज्म फर्स्ट यूज इन द अर्ली नाइनटीन सेंचुरी अर्ली नाइनटीन सेंचुरी में आया जो क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिस विच हैज़ अ फियर ऑफ आर रिफ्यूजल टू चेंज इट अरोज इन द रिएशन किसके रिएक्शन में अरोज हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन के अरोज में जहाँ पे चेंज की बात हुई रिफॉर्म्स एंड रेवोल्यूशन की बात हुई तो उन्हीं के अगेंस्ट जो है इस आइडियोलॉजी का स्थापना uh, हुई द डिफेंट ट्रेडिशनल वैल्यूज प्रैक्टिस एंड इंस्टिट्यूशन ठीक है क्योंकि ये मानते हैं कि दीज ट्रेडिशंस आर जनरेटेड बाई गॉड एंड दे अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी कंजर्वेटिव होल्ड अ होब्स इन व्यू कंजरवेटिश का किस तरह का व्यू था हॉब्स का जैसा व्यू था ह्यूमन नेचर को जो बिलीव करते थे वो मानते थे कि ह्यूमन नेचर जो है इम परफेक्ट एंड अन है इम परफेक्ट एंड अन मानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रोड टू सर्फडम ये एक फेमस वर्क है बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेटिव थिंकर ये किस कंजर्वेटिव थिंकर के साथ बिलोंग करता है ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड बुर एडवर्ड बुरके बी फ्रेडरिक वॉन हेग सी मिचेल ऑक्शोर्ट डी इरवी क्रिस्टोल तो ये सभी जो हैं एक कंजर्वेटिव थिंकर हैं लेकिन रो टू सर्वडम वर्क जो है वो किस थिंकर के साथ बिलोंग करता है तो राइट right आंसर क्या होगा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फ्रेडरिक वॉन हेग ये उनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है तो ये लिखा गया है 1944 में जहाँ पे वो लेजर फेयर्स को जो है डिफेंड करते हैं और अटैक इकोनॉमिक इंटरवेंशन जो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसको जो है अटैक करते हैं उनके दूसरे मुख्य के वर्क जो है जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में एंड ला लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी जो नाइनटीन में तो आप इनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में भी याद रखने का प्रयास कीजिए क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में सिक्वेंस वाइज जो है अरेंज करने का क्वेश्चन भी आते हैं तो फर्स्ट आ गया रोड टू सर्वडम सेकंड आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी एंड थर्ड आ गया लॉ लाइजिस्टेशन एंड लिबर्टी तो कई बार मैच द फॉलोइंग की आ सकते हैं तो आप इनको सीक्वेंस वाइज याद रखने का प्रयास कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु सेड द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ द पास्ट हैव बीन टेस्टेड टाइम ये किसकी फेमस स्टेटमेंट है द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ द पास्ट हैव बीन टेस्टेड टाइम ऑप्शन नंबर ए ऑक्शॉर्ड बी एडमंड एडमे सी हॉब्स डी एफ ए एक तो राइट आंसर क्या होगा ये किसकी फेमस स्टेटमेंट है तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एडमंड फुड के जो है उनकी फेमस ए, फेमस स्टेटमेंट है उनका मानना था कि द इंस्टीट्यूशन और प्रैक्टिस ऑफ द पास्ट जो भी इंस्टीट्यूशन है जो संस्थाएं हैं और जो भी हमारी ट्रेडिशंस हैं वो क्या किए जाते हैं वो टाइम के साथ उनको टेस्ट किया जाता है एडवर्ड बुरकेज का मानना था द इंटीट्यूशन प्रैक्टिस ऑफ द पास्ट हैव बीन टेस्टेड बाय टाइम एंड शुड देयर फॉर बी प्रिजर्व और इसलिए उनको क्या करना है प्रिजर्व करके रखना चाहिए फॉर द फ्यूचर जनरेशन उनका एक फेमस वर्क है रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस तो इसको भी आप याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम आ, जो है क्वेश्चन को सिर्फ नहीं लाए हैं उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी लाए हैं ताकि आपकी जो है Uh, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके तो देखिए जहाँ पे हमने उसके फेमस वर्क को एक्सप्लेनेशन में कवर किया तो इसका एम सी क्यूब की फॉर्म में भी आपको पूछा जा, जा सकता है एग्जाम्स में तो आप इन एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल डिटेल में और ध्यान से पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द करेक्टनेस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंजर्वेटिज्म इनमें से क्या सही है कंजर्वेटिज्म के बारे में ए प्रेफर लिबर्टी और इक्वलिटी ये प्रेफर करता है लिबर्टी को ओवर इक्वलिटी को बिल्कुल ये इन, इ, क्योंकि कंजरवेटिज़म जो है वो इनक्वलिटी को एक्सेप्ट करते हैं बी प्रेफर ट्रेडिशन ओवर चेंजेस ये ट्रेडिशन को मानते हैं ओवर चेंजेस सी हिस्ट्री ओवर पॉलिटिक्स हिस्ट्री को इतिहास को जो है राजनीति से ऊपर रखते हैं या डी ऑल ऑफ द वर्ल्ड तो इनमें से क्या सही है कन्जरवेटिज़म के बारे में आई होप आपको आंसर मिल चुका होगा अभी तक द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जो है सही है ये सभी फ़ीचर्स हैं किसके कन्जरवेटिज़म के कंजरवेटिज़म जो है वो प्रेफ़र करती है लिबर्टी को इक्वालिटी के ऊपर ट्रेडिशंस को चेंजेस के ऊपर और हिस्ट्री को पॉलिटिक्स के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके फिर अपना आंसर दे सकते हैं तो लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बता सकते हैं मुझे कि कितने आपके सही हुए हैं तो इससे आपकी एम की फॉर्म में जो है आप देखोगे क्यों क्यूक रिविज़न हो जाएगी तो मैंने कम्प्लीटली जो है पूरे होल टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है वीडियो में एम uh, की फॉर्म में तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज अ फिलासफर ऑफ अन रीजन इन द ग्रेट एज ऑफ रीजन किसको फिलासफर ऑफ अन रीजन माना जाता है अतरसंगत माना जाता है इन द एज ऑफ रीजन दिस इज अ दिस इज हाउ कोबन डिफाइन कोबन किसको डिफाइन करते हैं ये स्टेटमेंट कह के ऑप्शन नंबर ए मिचल ऑक्शॉर्ट बी क्लिंटन रोस्टर सी रसल क्रिक डी एडमिड बुरके ये सभी जो है कौन है कंजर्वेटिव थिंकर है तो इनमें से किसने जो है किसको जो है कोबन डिफाइन करते हैं ऐसा कह के कि ही इज़ अ फिलोसफर ऑफ ऑन रीजन इन द ग्रेट एज ऑफ रीजन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एडमंड बुरके को जो है डिफाइन करते हैं एडमंड बुरके जो है एक फेमस कंजर्वेटिव थिंकर थे कोबन डिफाइन करते हैं बुरके को एज अ फिलोसफर ऑफ ऑन रीजन इन द ग्रेट एज ऑफ रीजन नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द इनकरेक्ट अबाउट द कोर थीम ऑफ कंजर्वेटिज्म जो कन्ज़रवेटिज़म के कोर थीम्स हैं उनमें से ये इनमें से कौन सा सही नहीं है ए हायर आर्कियन अथॉरिटी बिल्कुल बी ऑर्गेनिक सोसाइटी सी ह्यूमन इम्परफेक्शन डी अटोमिस्टिक इंडिविजुअलिज्म तो इनमें से कोर थीम क्या नहीं है कंजर्वेटिज्म का हायर आर्कियन अथॉरिटी बिल्कुल है बी ऑर्गेनिक सोसाइटी हाँ वो मानते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी में ही रह सकता है क्योंकि वो सेल्फ सुफिशेंट नहीं है वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है उसको अदर जो ह्यूमन ंग की नीड्स होती है तो वो अपनी जो नीड्स है या फिर डिजायर है हैं सोसाइटी में रह कर ही फुलफिल कर सकता है तो सी जो है ह्यूमन इम परफेक्शन ह्यूमन इम परफेक्शन मानते हैं कि ह्यूमन नेचर और इम परफेक्ट या डी एटोमिस्ट हाँ टोमिस्टिक इंडिविजुअलिज्म है जो इसको रिजेक्ट करते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक सोसाइटी के बाद वो मानते हैं कि इंडिविजुअल अकेला जो है नहीं रह सकता अपने आप में सेल्फ सोफिशेंट नहीं है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑर्गेनिक सोसाइटी हाँ बिल्कुल ये कोर थीम है कैन बिलीव दैट ह्यूमन बींगस कॉन्ट एक्जिस्ट आउट सोसाइटी के बाहर नहीं रह सकता फॉर देम फ्रीडम इन्वाल्व डूइंग वन ड्यूटी फ्रीडम का मतलब क्या है कंजर्वेटिविज्म क्या मानते हैं कि फ्रीडम क्या है मतलब अपने कर्तव्य को निभाना हायरार्की एन अथॉरिटी दे बिलीव द सोसाइटी नेचुरली हर वो मानते हैं कि सोसाइटी जो है नेचुरली हायर है और वो इन इक्वालिटी को एक्सेप्ट करते हैं प्रॉपर्टी वो मानते हैं कि प्रॉपर्टी जो है एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिक्योरिटी को प्रोवाइड करती है ट्रेडिशन और ह्यूमन इम्परफेक्शन ये सभी जो है कोर थीम है किसके कंजर्वेटिज्म के नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर डज नॉट बिलोंग टू कंजर्वेटिज्म कौन सा थिंकर इनमें से कंजर्वेटिज्म के साथ नहीं बिलोंग करता है ए एडम बुरके बी मिचल ऑक्शॉर्ट सी इरविंग क्रिस्टोल या डी मिचेल वाल्जर तो आई होप आपको अभी तक आंसर मिल चुका होगा राइट द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मिचल वॉल्जर जो है वो कम्युनिटेरियन थिंकर थे ना कि कंजर्वेटिज्म थिंकर थे एडमर्ड बुर के मिचल ऑक्शॉर्ट इरविंग क्रिस्टोल ये सभी जो है कंजर्वेटिव थिंकर थे एडमर्ड बुर के फ्रेडरिक वन हेग मिचल ऑक्शॉर्ट इरविंग क्रिस्टोल एंड रॉबर्ट नोजिक जो है इंपॉर्टेंट थिंकर हैं कंजरवेटिज्म के नेक्स्ट क्वेश्चन टू चीयर्स फॉर कैपिटलिज्म ये किसका वर्क है रिटर्न बाय विच कंजर्वेटिव थिंकर ऑप्शन नंबर ए इरविंग क्रिस्टोल बी एडम बुरके सी हॉब्स या डी एफ ए एक तो किसके द्वारा लिखा गया है टू चीयर्स ऑफ फॉर कैपिटलिज्म द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इरविंग क्रिस्टोल के द्वारा लिखा गया उनके अदर इंपॉर्टेंट वर्क को भी देखते देख लेते हैं जैसे टू चीयर्स ऑफ कैपिटलिज्म 1978 में लिखा गया और रिफ्लेक्शन ऑफ अ नियो कंज़र्वेटिव जो 1983 में लिखा गया जहाँ पे वो क्या करते हैं क्रिटिसाइज करते हैं किसको वेलफेयरिज्म वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को जो है क्रिटिसाइज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द ऐसे बींग कंज़र्वेटिव इज रिटन बाय जो ऐसे बींग कंज़र्वेटिव है वो किसके द्वारा लिखा गया ए मिचल ऑक्शॉर्ट बी क्लिंटन रोस्टर सी रोजल क्रक डी एडमर्ड बुरके

उनको फैमिलर से अननोन की तरफ बढ़ना चाहिए ट्राई टू ऑन ट्राइड की तरफ फैक्ट टू माइस्ट्री की तरफ एंड एक्चुअल टू पॉसिबल एंड लिमिटेड टू द अनबाउंडेड तो ये ऐसे जो है किसके द्वारा लिखा गया ऑन कंजर्वेटिव मिचल ऑक्शॉर्ट के द्वारा नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग ये मैच द फॉलोइंग है अपने इनको मैच करना है ये उनके वर्क्स दिए गए हैं थिंकर्स के तो उनके साथ आपको मैच करना है मिचल ऑक्शॉर्ट इरविंग क्रिस्टोल रॉबर्ट नोजिक फ्रेडरिक वन हेग जैसे फर्स्ट आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ अ नियो कंजर्वेटिव ऑन ह्यूमन कंडक्ट एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया लॉ लिबर्टी तो मिचर ऑक्सर्ट के द्वारा कौन सा वर्क लिखा गया मिचर ऑक्सर्ट के द्वारा लिखा गया ऑन ह्यूमन कंडक्ट तो ए का टू बी का इरविंग क्रिस्टोल के द्वारा लिखा गया रिफ्लैक्शन ऑफ अ न्यू कंजर्वेटिव सी रॉबर्ट नोजी के द्वारा कौन सा लिखा है एनआरकी स्टेट एंड यूटोपिया थ्री एंड फ्रेडरिक वोन हेक फ्रेडरिक वोन हेक के द्वारा लिखा है लाल है लिबर्टी मतलब टू वन थ्री एंड फोर ये कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा आप वीडियो को पास करके फिर आंसर दे सकते थे अगर आपको वीडियो की स्पीड जो है ज़्यादा लग रही है मिचुअल ऑक्शर्ट जो है रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स एंड ऑन ह्यूमन कंडक्ट दो इंपॉर्टेंट वर्क हैं और रॉबर्ट नोजिक एन स्टेट एंड यूटोपिया जहाँ पे वो क्या करते हैं रिजेक्ट वेलफेयर एंड रिज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट जो है जो रोल्स के द्वारा फेमस किया गया उसको रिजेक्ट करते हैं एंड एडवांस द केस फॉर मिनिमल गवर्नमेंट वो मानते हैं कि मिनिमल गवर्नमेंट होनी चाहिए और मिनिमल टैक्सेशन होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग टू वट दे अपोज देन वट दे फेवर

अपोज कर रहा है ना कि वट नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स कैनन्स ऑफ कंजर्वेटिव थाट्स वर प्रजेंटेड बाई कंजर्वेटिव थाट जो है वो किस थिंकर के द्वारा दिए गए ए रसल क्रिक बी एडवर्ड बुरके सी क्लिंटन रोस्टर डी मिचल ऑक्शॉर्ड तो क्या सही है किसके द्वारा सिक्स कैनड जो है वो थाट्स दिए गए द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रसल क्रिक तो आइए उन सिक्स कैनन्स को देख लेते हैं जो रसल की हैं जो अपनी फेमस वर्क है कंजर्वेटिव माइंड में देते हैं सिक्स कैनन्स जैसे बिलीफ इन नेचुरल लॉ वो ला नेचुरल लॉ में बिलीव करते हैं उनका मानना था कि कंजर्वेटिज़म जो है नेचुरल लॉ में बिलीव करते हैं लव ऑफ वैरायटी वैरायटी को एक्सेप्ट करते हैं एंड uh, जो यूनिफॉर्मिटी और गैलेटेरियन uh, प्रिंसिपल्स को निगलैक्ट करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्डर एंड क्लासेस फॉर सिविलाइज सोसाइटी वो मानते थे कि जो क्लासलेस सोसाइटी नहीं होनी चाहिए बल्कि क्लासेस होनी चाहिए और ऑर्डर होना चाहिए सोसाइटी में सिविलाइज सोसाइटी में फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी को जो है, मानते हैं एंड फेथ इन कस्टम कन्विक्शन एंड ओल्ड परसेप्शन और प्रूडेंस ये सिक्स प्रिंसिपल जो है दिए गए रसल खिर के द्वारा अबाउट uh, कंजरवेटिज़म नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ड द डिज़ायर टू कंजर्व और रिलेटेड विद जो वर्ड है द डिज़ायर टू कंजर्व आर रिलेटेड ये किस थिंकर के साथ रिलेटेड है ए मिचेल ऑक्शॉट, बी क्लिंटन रोस्टर सी रसल किरक या डी एडमंड बुरके तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जो है सही है एडमर्ड बुरके के द्वारा दिया गया ये उनके वर्ड्स हैं द डिज़ायर टू कंजर्व हाँ के जो प्रक्लेम करते हैं क्या करते हैं द डिज़ायर टू कंजर्व इज द अंडरलाइन थीम ऑफ कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी उनका मानना था कि ये इंपॉर्टेंट थीम है किसका कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी का द डिज़ायर टू कंजर्व ये आज का लास्ट क्वेश्चन था आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके थैंक्स फॉर वॉचिंग